हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 20 कर रहे हैं। यह 23 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आपने क्या सीखा? अभी तक हम पादपों में पोषण के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज की वर्कशीट में रिवीजन करना है। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रत्येक जीव भोजन का उपयोग अपनी शरीर की वृद्धि के लिए और ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपने खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम करते हैं, जिसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज की आवश्यकता होती है। वे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उनके अंदर उपस्थित क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, जिससे वे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, और इस प्रक्रिया से वे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। इसी ऑक्सीजन गैस का उपयोग सभी जीव जीवित रहने के लिए करते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, कवक दिखाया गया है। यह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए इसे मृतजीवी कहते हैं। बेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमर बेल ऐसे धागों जैसी संरचना होती हैं। यह एक ऐसा पादप है जिसका रंग हरा नहीं होता और यह दूसरे पादपों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, इसीलिए इसे परपोषी भी कहते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे छत्रक, इन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न, अमर बेल उदाहरण है एक परजीवी पादप का। प्रश्न दो, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रश्न तीन, प्रकाश संश्लेषण में डैश उत्पादित होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट या शर्करा उत्पादित होती है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।